उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर कुशीनगर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव के नेतृत्व में सपा जिला कार्यालय लोहिया भवन पर द्रोणा कुशीनगर में मेजर ध्यानचंद की जयंती को समाजवादी पार्टी ने खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। वहीं मंच का संचालन मोहम्मद शकुरुल्लाह अंसारी ने किया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर खिलाड़ियों से भेदभाव, स्टेडियम समेत खेल संस्थाओं व संस्थानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा खेल को बढ़ावा दिए जाने के पक्ष में रही है, लेकिन मौजूदा सरकार खेल और खिलाड़ियों के मानदेय में भेदभाव के साथ उपेक्षा कर रही है। स्टेडियम का रखरखाव, स्पोर्ट्स एकेडमी तथा सीटों की संख्या में कब से खिलाड़ियों को प्रतिभा निखारने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को प्रदेश या देश स्तर पर निखार नहीं पा रहे हैं। जिला महासचिव मोहम्मद शकुरुल्लाह ने कहा कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले स्वर्गीय ध्यानचंद जी के जयंती के अवसर पर खिलाड़ियों को आश्वासन दिया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक खेल को बढ़ावा देने व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों को उचित मानदेय व खेल सामग्रियों की समुचित व्यवस्था तथा योग्यता के अनुसार नौकरियों में प्रदेश सरकार द्वारा व्यवस्था की जाए। इस दौरान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एमपी कुशवाहा, विजय कुशवाहा, बजरंगी यादव, हरिलाल यादव आदि लोग मौजूद रहे।